दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एप्पल ने आईफोन 8 के बाद आईफोन 10 भी लॉन्च किया है, और आईफोन 8 में आप देख सकते हैं और 10 में कि एप्पल का A11 बायोनिक चिप है, जो कि बहुत ही फास्टर है पहले आईफोन 7 और 6 के कंपेयर में, और कैमरा 12 मेगापिक्सल दोनों में इंप्लीमेंटेड है। और इसमें आपको डुअल कैमरा, इसमें आप सिंगल कैमरा देख रहे हैं बैक में, और आईफोन ये 10 है जो आप देख रहे हैं, आईफोन 10 में यहाँ पे आप बहुत ही डिजाइन पर्सपेक्टिव चेंज किया गया है, इसमें बहुत सारे लुक हैं, इसमें डुअल कैमरा अवेलेबल है, और इसमें 12 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलेगा। और यहाँ पे जैसे ही स्वाइप आप करते हैं, तो स्वाइप करने के बाद देख रहे हैं कि किस तरह से इसका जेस्चर्स इमर्सिव जेस्चर्स वर्क करता है, और नीचे में आप देख रहे हैं कि ये फेस टू फेस आपका, अगर पहले टच आईडी था और टच आईडी के बाद यहाँ पे अब फेस आईडी इंप्लीमेंट किया गया है। और ये आईफोन 10 का डिज़ाइन बहुत ही नीट एंड स्लीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका UI बिल्कुल ही चेंज है। यहाँ पे स्प्लिट स्टेटस बार को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जबकि लेफ्ट में आप देख रहे हैं कि टाइमर है, और राइट साइड में आप बैटरी और सिग्नल आप देख सकते हैं। बॉटम में आप देख रहे हैं, बीच में आप जो ब्लैक का कर्व एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे आपका कैमरा और माइक्रोफोन लगा हुआ है। और बॉटम में यहाँ पे आप इसका और भी देख सकते हैं कि अमेजिंग फीचर ये है कि आप अब एज टू एज फुल एक्सपीरियंस ले सकते हैं पूरे स्क्रीन्स का, और यहाँ पे आप बहुत ही जेस्चर स्लाइटली वर्क करता है, बहुत ही स्मूथ वर्क करता है। और अगर आप फोटोज या वीडियोज आप देख रहे हैं, तो इसका भी आप फुल स्क्रीन में एज टू एज स्क्रीन का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये है आईफोन दोस्तों 10 में फीचर। जैसा कि आप जानते हैं कि आईफोन 10 में होम स्क्रीन को रिमूव कर दिया गया, और होम इंडिकेटर यहाँ पे है, होम स्वाइप के माध्यम से आप होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप ओपन किए हुए हैं, तो यहाँ से जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन है बॉटम में, उसको आप स्वाइप करके आप होम स्क्रीन पे नेविगेट कर सकते हैं। इसमें और भी होम इंडिकेटर का बहुत वर्क है, यहाँ पे अगर स्लाइटली अगर जेस्चर्स पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से वर्क करता है। और यहाँ पे अलग अलग स्टेटस है, अगर राइट साइड में बैटरी वाला सिग्नल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपको मिलेंगे राइट साइड से सेटिंग का ऑप्शन, और अगर सेंटर से करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको आएंगे, और बीच से अगर स्वाइप करते हैं तो आपको सर्च ऑप्शन, ग्लोबल सर्च का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये है दोस्तों इसमें बहुत ही अमेजिंग फीचर, और बहुत ही एक्सपीरियंस लुक एंड फील बेटर है, और पहले से इसका एक्सपीरियंस यूजर एक्सपीरियंस को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है। और ये आईफोन 8 के फीचर को भी इसमें ऐड किया गया है, तो बहुत ही अमेजिंग है। फेस आईडी सपोर्ट करता है, सपोज दैट आपने पहले जो टच आईडी था वो होम स्क्रीन से अनलॉक किया जाता था, लेकिन अब फेस आईडी है, आपको फेस कैच करेगा और आपका फ़ोन जो है से अनलॉक हो जाएगा। और अनलॉक होने के बाद आपको ये भी मैं बता दूं कि बहुत सारे मिलियंस इसमें ऑप्शंस है, जैसे कि आप अगर फेस आईडी से लॉक किए हैं फ़ोन को, और उसमें आप टोपी पहन करके भी जाते हैं, या कोई आपके पास मास्क लगा करके भी जाते हैं, तो आपका वो फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, इतने सारे इसमें पावरफुल सेंसर लगे हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटोज़ की बात अगर मैं करूँ, तो फ़ोटोज़ जो है यहाँ पे फ़ोटोज़ का भी लाइट आप दे सकते हैं, स्टूडियो लाइट यहाँ पे ऑप्शंस हैं, और इस ऑप्शन के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं लाइट को, अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, या आप फ़ोटो किसी का शॉट ले रहे हैं, तो उस समय भी आप इसके लाइट को स्टूडियो के जैसा आप लाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और अपने फ़ोटो को स्मूथनेस ला सकते हैं, और इस तरह से यहाँ पे ये वर्क करता है। और लास्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो इमोजी है, और जैसा कि आप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, सबसे न्यू अपडेट है, जो जैसा आप जो भी जैसे आप इसके इमोजी के सामने अपना मूवमेंट करेंगे, ये भी आपका इमोजी ऑटोमेटिक आपके डायरेक्शन के हिसाब से ही यहाँ भी मूव करता है, जैसा आप फेस करेंगे वैसे ही आपका इमोजी भी वो चेंज करता है ऑटोमेटिक। इतने ये पावरफुल इमोजी को इंप्लीमेंट किया गया है आईफोन 10 में। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वायरलेस यहाँ पे बैटरी भी है, वायरलेस चार्जर भी है, वायरलेस चार्जर से आप वहाँ पे रख देना है, बिना केबल लगाए हुए आपका फ़ोन वहाँ पे फुल चार्ज
हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है आईफोन 10 और आईफोन 8 का भी, जो दोनों में अगर देखा जाए तो ये वायरलेस के माध्यम से आप अपने मोबाइल को चार्ज, आईफोन को चार्ज कर सकते हैं। और गैलरी वगैरह में भी आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे फुल स्क्रीन का एंजॉय देख सकते हैं किस तरह से है। टॉप एरिया आप स्टेटस बार फिक्स है। और इसकी बात अगर मैं करूँ तो दोस्तों यहाँ पे जिस कलर का आपका जो स्क्रीन्स है या कोई भी आर्टिकल रीड कर रहे हैं तो आपका जो स्टेटस बार है ऑटोमेटिक ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट होते रहता है। ये इस तरह का सेंसिटिव पावर है इसमें, और इस तरह से ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे दोस्तों ये आईफोन 8 ये है, और ये आईफोन 10 को मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि आईफोन 8 से बहुत ही बेटर आईफोन 10 है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही बेटर रहा होगा।